कांग्रेस पूरे देश में सीबीआई को लेकर विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई है। जयपुर में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा है, नियुक्ति के लिए एक संविधान में प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री ये तीन लोग नियुक्त कर सकते हैं और दो साल का फिक्स टेन्योर है, उसको कम करने की शक्ति किसी सरकार किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं है। लेकिन जो जांच कर रहे थे वो जांच 13 जांच अधिकारियों को हटा दिया गया है, एक जांच अधिकारी को अंडमान निकोबार काला पानी जो बोलते थे वहाँ भेजा गया है, जांच को छुपाने का काम है और भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार के कहने पर विरोधियों पे छापे मारा करते थे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम ये सरकार कर रही है, पूरे तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और मुझे लगता है जैसे राहुल जी ने कहा, जैसे ही सीबीआई दोबारा इसकी जांच की प्रक्रिया चालू करेगी, राफेल मामले का खुलासा होगा, ये सरकार शर्मसार होगी, उसको जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने सीबीआई मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के चंगुल में फंसती चली जा रही है। एसपीएनआई न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।